कई दिनों से पवनदीप अरुणिता दोनों नींद की गोलियां खाकर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर आराम फरमा रहे हैं और उनके फैंस आंखें गड़ाए बैठे हैं। डायलॉग भी बोल रहे हैं कि उठो मोहन उठो, लेकिन पवन अरुणिता को करीब 2 सालों बाद इतना लंबा ब्रेक मिला है जिसके बारे में सुनकर फैंस भी हैरान है। आखिर पवनदीप अरुणिता कहाँ गायब हो गए? जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल हाल ही में चंपावत किसी मंदिर में गई थी पवनदीप और उनकी बहनों के साथ। उसके बाद से अरुणिता कांचीलाल को देखा नहीं गया, कहीं गुम सी हो गई है। उसके बाद से अरुणिता 1-2 दिन मुंबई में रुकी, वो भी अकेले, और फिर वो कोलकाता के लिए रवाना हो गई थी। पवनदीप भी अपने घर उत्तराखंड में आराम फरमा रहे हैं। फुर्सत के वक्त में वो उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने पहले ही पवनदीप से अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो पवनदीप वहाँ के जवानों से भी मिले और सुनने में आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता से मिलने कोलकाता भी जा सकते हैं क्योंकि काफी दिन हो गए दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को देखे बिना तड़प रहे होंगे, लेकिन 11 अप्रैल से पहले दोनों की मुलाकात हो भी नहीं सकती। 10 अप्रैल को पवनदीप अरुणिता मुंबई आ जाएंगे और 10 अप्रैल में सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में 3-4 दिन पवनदीप अरुणिता अपने अपने घर में फुर्सत के वक्त और बिता रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। 11 अप्रैल को हल्द्वानी में पवनदीप अरुणिता का शो है, कुमाऊं महोत्सव है जिसमें पवनदीप अरुणिता अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि बदलते मौसम की वजह से अरुणिता बीमार पड़ गई हैं, जिसकी वजह से अरुणिता की खूब खिचमिच की जा रही है। वो घर में इस कदर आराम फरमा रही हैं कि बेड से पैर नीचे उतार ही नहीं रही हैं। उनके माता पिता उनकी खूब सेवा कर रहे हैं, माँ के हाथ के बने पकवान अरुणिता खा रही हैं और खूब मौज मस्ती कर रही हैं। अरुणिता कह रही हैं, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी मैं खूब सोऊंगी और टीवी देखूंगी और कहीं भी ट्रेवल करने से मना कर दिया है। 2 सालों से वो लगातार ट्रेवल कर रही हैं, ऐसे में इतनी थक चुकी हैं कि अब उन्होंने खुद के लिए लंबा ब्रेक निकाला है, वो रेस्ट कर रही हैं। मैं आपको बता दें, इस वक्त इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह बने हैं, फर्स्ट रनर अप देवउश्मिता बनी है, तो इस वक्त हर किसी की नजर इन नए विनर पर भी है। तो इस वक्त पवनदीप अरुणिता छुट्टी पर है क्योंकि इन्हें लाइमलाइट मिले और इस वक्त लोगों का ध्यान देवउश्मिता और ऋषि पर भी है। खास बात, देवउश्मिता और ऋषि की लव स्टोरी भी अरुदीप की तरह है, देवउश्मिता भी अरुणिता की तरह कोलकाता की है। देवउश्मिता अरुणिता में कुछ खासियत भी है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त देवउश्मिता अरुणिता दोनों कोलकाता में है और किसी भी वक्त दोनों मिल सकती है क्योंकि अब दोनों का खास रिश्ता जुड़ चुका है। इनके कुछ दिलचस्प बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए आप इन दोनों फर्स्ट रनर अप के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ऋषि सिंह ने अपने विनर वाले शोर से पवनदीप को दबा दिया है? जिस तरह से हर तरफ ऋषि ऋषि का नाम सुनाई दे रहा है, उससे यही घबराहट हो रही है क्या पवनदीप अब गायब होने लगे। अगर आप भी पवनदीप के जिगरा फैन हैं, तो इस सवाल का जवाब जरूर सोच कर दें क्योंकि बात सिर्फ पवनदीप की नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जिन्हें पवनदीप से बहुत उम्मीदें हैं। पवनदीप उत्तराखंड की जनता के लिए तो काम करना चाहते हैं, साथ ही बहुत से गरीब स्टूडेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता दें, ऋषि सिंह अभी अभी नए नए विनर बने, उनका जोश और जज्बा बता रहा है कि वो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन ये वक्त बता पाएगा कि आगे तक जाकर कौन टिकता है और कौन नहीं। लेकिन इस वक्त एक सवाल ये भी है कि पवनदीप जब इंडियन आइडल के शो पर थे तभी उन्हें कई सॉन्ग के ऑफर मिल चुके थे, कई प्रोजेक्ट मिल चुके थे और तो और हिमेश रेशमिया जैसे कई प्रोड्यूसर ने भी पवनदीप को गाने के ऑफर दिए थे। शो से निकलते ही पवनदीप अरुणिता ने मंजूर दिल गाने की शूटिंग की थी जो कि सुपर हिट रहा। और सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि शो से निकलते ही पवनदीप अरुणिता के लिए कई ऑफर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन ऋषि सिंह का अभी तक कोई शो सुनने को नहीं मिला है और ना ही किसी स्टार ने उन्हें ऑफर दिया है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बाप बाप होता है। ऋषि सिंह बेस्ट सिंगर जरूर हैं, लेकिन पवनदीप के मुकाबले कौन बेस्ट है इसका जवाब हमने आप पर छोड़ दिया है। और सिर्फ यहीं पर ही पवनदीप आगे नहीं निकलते हैं बल्कि जिस वक्त पवनदीप शो में थे उस वक्त मंच के सभी लोग पवनदीप का सपोर्ट कर रहे थे, पवनदीप भी उन सभी को साथ लेकर चल रहे थे। खास बात, पवनदीप को अरुणिता का सबसे बेहतरीन सपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ ऋषि सिंह मंच तक तो विद्वता के संग दिखाई दिए, उसके बाद विविधता का संग छूट गया और अब ऋषि सिंह अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ भी आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ ऋषि सिंह अकेले हैं। अब आप बताइए, पवनदीप या ऋषि सिंह कौन आगे तक टिक पाएगा?
तो फाइनली पवनदीप अरुणिता की भविष्यवाणी सच हो गई है और पवनदीप ने जो कहा था वही हुआ। पवनदीप ने भी ऋषि सिंह को विनर पहले ही बना लिया था और आखिरकार इंडियन आइडल के कल फिनाले में ऋषि सिंह को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक चमचमाती SUV कार और सोनी म्यूजिक इंडियन की तरफ से सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो चलिए बताते हैं ऋषि सिंह की किस्मत कैसे रातों रात पलट गई, क्या हुआ अयोध्या के ऋषि सिंह के संग, क्या राम जी ने चमत्कार कर दिया। वाकई अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह ने सबको हैरान कर दिया। इंडियन आइडल 13 का विनर अनाउंस हो चुका है। ऋषि सिंह इस सीजन के विनर बन गए जबकि देवस्मिता राय फर्स्ट रनर अप रही। ऋषि सिंह के अलावा फिनाले में टॉप सिंह कंटेस्टेंट थे जिसमें चिराग कोटवार, विदिप्ता चक्रवर्ती, शिवम सिंह, देवस्मिता के अलावा सोनाक्षी कर रही थी। इन सभी के बीच ट्रॉफी के लिए एकदम टक्कर का मुकाबला था लेकिन ऋषि सिंह ने सभी को मात देते हुए इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ऋषि सिंह को विनर बनने पर इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का कैश प्राइज, एक मारुति सुजुकी SUV कार गिफ्ट में मिली। इसके अलावा ऋषि सिंह को सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इंडियन आइडल 13 को नेहा कक्कर, विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया जज कर रहे थे, वही आदित्य नारायण होस्ट कर रहे थे। नेहा कक्कर को काफी टाइम बाद इस मंच पर लौटते देख फैंस भी हैरान थे। नेहा कक्कर के लुक ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। नेहा कक्कर को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, नेहा कक्कर अब तक कहां थी और विनर को ट्रॉफी देते वक्त वापस आ गई। अगर उन्हें शो की चिंता ही नहीं है तो फिर वो जज की कुर्सी पर क्यों बैठती हैं? ऋषि सिंह उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले, उन्हें हमेशा से ही गाने लिखने और सिंगिंग का शौक रहा है। ऋषि सिंह ने शो में बताया था कि वो अपने पेरेंट्स की असली संतान नहीं है बल्कि उन्होंने उन्हें गोद लिया था। ऋषि सिंह अभी देहरादून में हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऋषि सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इंडियन आइडल 13 के वो विनर बन चुके हैं। उनके दर्शक, उनके फैंस उनके स्वागत के लिए अभी से रोडों पर उतर आए हैं और उनका स्पेशल स्वागत किया जाएगा अयोध्या में। जिस तरह से राम जी के आने पर अयोध्या में स्वागत किया गया था, एक बार फिर से ऋषि सिंह का भी कुछ इस तरह से ही स्वागत किया जाएगा। याद हो आपको, ऋषि सिंह जब इस मंच पर पहली बार गए थे तो भगवान राम का प्रसाद लेकर गए थे, उन्होंने जजेस को अपने हाथ से वो प्रसाद खिलाया। तो शायद भगवान राम की कृपा से और आशीर्वाद से ऋषि सिंह को अपना उपहार मिल गया है। जारी किए स्टेटमेंट में ऋषि सिंह ने कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया, अब विनर के तौर पर मेरा नाम अनाउंस किया गया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक अहम शो की विरासत को आगे ले जाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं चैनल, जजेस और इंडियन आइडल की पूरी टीम का आभारी रहूंगा। वहीं आपको बता दें, ऋषि सिंह को पवनदीप अरुणिता भी पहले से ही प्यार करते थे। उन्होंने भी इस कंटेस्टेंट पर हाथ रख दिया था और कई बार पवनदीप ऋषि सिंह के लिए स्टेटमेंट देते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ऋषि सिंह की आवाज सबसे अलग दिखती और कहीं ना कहीं ऋषि सिंह को पवनदीप से जोड़ा जा रहा था। पवनदीप और ऋषि सिंह वाकई बहुत बेहतरीन सिंगर निकले। वहीं आपको बता दें, पवनदीप अरुणिता को कल इस मंच पर बुलाया गया क्योंकि उनके हाथ से ऋषि सिंह ट्रॉफी लेना चाहते थे। लेकिन ट्रॉफी तो भले किसी और ने दी, लेकिन ऋषि सिंह ने अपने सामने जब पवनदीप अरुणिता को देखा तो उनका दिल खुश हो गया। बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता की हम फोटो दिखाने वाले हैं। इंडियन आइडल 13 के मंच पर खुद विनर बने पवनदीप अरुणिता ने जब अपने सामने इंडियन आइडल 13 के विनर को देखा तो उन्होंने क्या महसूस किया, इसकी फोटो वीडियो हम आपको जल्द दिखाएंगे।